Rishi Shaw. I'm a model and an actress. So हमारा यहाँ जी म्यूज़िक के लिए शूट चल रहा है. The song is on patriotic base. So militant and the love of militant life. So yeah. Hi, myself Lokansh Garg and I am a Bollywood actor and model. और इस वक्त हम एक जी का एक एल्बम कर रहे हैं जो एक ट्रिब्यूट है एक आर्मी को. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट बिकॉज आर्मी इज़ अ बिग वर्ड एंड देयर हार्ड वर्क, बट इट्स फ्रॉम हवर हार्ट. जय जवान जय किसान. हाँ, तो मेरी मूवी आने वाली है नारकासुर. दैट वाज इट्स बेस्ड ऑन वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट. तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ, सर ने मुझे कॉल लगाया कि कम एंड मीट मी एंड समथिंग, एंड आई वेंट टू राज घोष द डायरेक्टर ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड देन ही ऑफर्ड मी दिस wonderful music album because it's tributed to our nation, the heart of our nation, that is the army, the unsung heroes. मैंने सर के साथ एक पहले प्रोजेक्ट किया था बिफोर यू डाई जो उनकी पिछली मूवी थी, तो उनको मेरा एक्ट अच्छा लगा था. तो अभी इसके लिए एक ब्रदर का कैरेक्टर था, मैं इनके भाई का कैरेक्टर और जो मेजर है उनका दोस्त बहुत अच्छा वो मेरा कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी. तब सर ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे एक एल्बम है जी का, तो तुम फ्री हो तो आ जाओ. आर्मी में आप भी हो? हाँ जी, आर्मी में भी. क्या जब देश की वर्दी प्राउड होता है प्राउड? सर मेरे पास शब्द नहीं होते उस वक्त, और एक्चुअली मेरी मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं वो पहन सकूँ. अच्छा, तो देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे गाने हैं और पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो मेरा तो फेवरेट है कि माँ तुझे सलाम. मेरे दो गाने दिमाग में आते हैं स्टार्टिंग में ही, एक मेरे देश की धरती सी सोना उगले उगले हीरे मोती और चिट्ठी आई है. देश के लिए मैं ओके. सो हम सभी रेस्पॉन्सिबल नागरिक है देश के, और कहीं ना कहीं हम सभी देश के लिए करते हैं. मतलब आप अगर अपने जॉब सही से कर रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप अगर कर रहे हो तो आप देश की उन्नति के लिए कर रहे हो, देश को आगे लेके जा रहे हो. चाहे वो स्टूडेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, मतलब देश सिर्फ आर्मी वाले तो है ही, पर बाकी सारे प्रोफेशन की वजह से आज हमारे देश देश है. मैं देशवासियों को ये कहूँगा, जैसा कि आजकल चल रहा है कि लोग स्टडी करते हैं उसके बाद फ़ौरन जाते हैं और वहाँ पे सीईओ या कुछ भी बनते हैं, तो हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, बट इंडिया में रहें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि इंडिया भी और ज़्यादा ग्रोथ करे. और आर्मी, तो आर्मी मिलिट्री पुलिस इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब ये स्पीचलेस है. Thank you. My name is Utsav and I'm from Sikkim and I'm doing a music video with Zee Music. So, actually Shubhendra Raj Ghosh sir had come to Sikkim and then he met me and we discussed about doing a project together, and then eventually like that it happened and we did this. First, jo aata hai wo to patriotism ka aata hai. The good thing about this music video is this is releasing near Independence Day, so वो एक plus point हो गया और पूरा nation का patriotism जागा हुआ होता है. Set पे कैसा माहौल है? Set पे बहुत अच्छा हो रहा है, it's very comfortable with the co-actress and this ये मेरे लिए नया है क्योंकि इतना professionalism अभी तक मैंने नहीं किया था. सिक्किम में इतना नहीं होता है, so first time है तो मज़ा आ रहा है. It's a first album? No, first in Mumbai doing it so professionally, but पहले मैंने दो तीन वाला किया है. It's a Hindi boy, Hindi or two of them are from Sikkim itself, Nepali music videos. The third one is called Maya and released in Zee Music.
ये कैसे मिला आपको, कैसे ऑडिशन वगैरह? ऑडिशन तो नहीं हुआ था, बट वी मेट इन अ कॉन्क्लेव, एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव, एंड शो मी ऑन इन वन ऑफ द पैनलिस्ट, एंड उन्होंने मुझे देखा और उनका बातचीत हुआ, उनको पता चला कि मे भी म्यूजिक वो सब एक्टिंग में इंटरेस्टेड है. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोल शूट करेगा तो ट्राई करते हैं, बोल के उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है. How was the actor? It's I find him very passionate about his work. He puts his entire heart and soul into the music video, so it's fun working with him. What's the story behind the story? It's actually about how an army, what kind of sacrifices an army person makes to keep the nation safe, and all the things that his loved ones face after he's gone to the army. Suffer, ये गाना actually हमारा जो इंडियन आर्मी है उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट. आज का जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने का जो एक प्रेरणा, वो मेरा दोस्त का मेरा मेंटर राज सिंह सिद्धू द एडिटर मुझे बताया, और इसके चलते मैं सुषमा गुरुन उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे मैंने बात किया. और उस वक्त मैं सिक्किम में ही था, और सिक्किम में दो तीन एक हादसा भी हो गया, ये लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे जवान फौज और जो है शरीर शहीद हो गए. तो उस दौरान मुझे ये लड़का उत्सव मिला और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा जी चलो इसको लेके ये गाना करें. इस गाने को जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बॉब एसन सर है, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मेरा बहुत पिक्चर का वो म्यूज़िक डायरेक्शन किए हुए हैं, और गाना को गाए ये डुअल लैंग्वेज का है, एक नेपाली और एक हिंदी. नेपाली में गाया है शिशिर ठटाल ने, और हिंदी में गाया शाहिद मल्लार ने. वीडियो बन रहा है, कॉन्सेप्ट भी पूरा क्या हो रहा है आज? वो एक आर्मी ऑफिसर है, शादी में उसको छुट्टी मिला था, वो घर आ रहे थे, उसका दुल्हन जिसके शादी हो रहा था उसका हल्दी का रस्म चल रहा था, दुल्हन का बेस में था, सडनली रास्ते में आतंकवाद हमला होता है और ये फौजी ऑफिसर ये देहांत हो जाता है, देश के लिए जान दे देते हैं, और उसका डेड बॉडी आता है उस समय जब ये दुल्हन के बेस में था. जस्ट यही ऐसे बहुत सारे किस्सा, शायद अनजानी किस्सा है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं, उन सब के लिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, कोई परवाह करते नहीं हुए, हमें ठीक रखने के लिए खुद का जान को परवाह करते हैं, और उस लड़की लोग के लिए जिसका शायद माने हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, या जिसका हस्बैंड होने वाला था वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा सलूट. पुलवामा हमला की कहानी तो दर्शा रहे, नॉट पुलवामा हमला, एवरीथिंग, ये हर 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 इंसिडेंट इनके लिए हमें शायद ये पता है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहां हम लोग को पता नहीं है. हर समय तो बॉर्डर में तो गोलाबारी चलते ही रहते हैं, कुछ न्यूज़ आते हैं कुछ न्यूज़ ना आते, ये रेगुलर जैसे सांस लेने का बात है वैसे ही बात है. कितना फौज कितना ऑफिसर्स देहांत हो जाते हैं, मर जाते हैं, वी डोंट नो. सो ये सब के लिए, ये हमारा इंडियन आर्मी के लिए ना, स्पेसिफिक कोई आर्मी या बटालियन के लिए नो, ये इंडियन आर्मी के लिए. नहीं, वैसे नहीं है एक्चुअली, ये एक फ्लैश बैक है, एक लड़की का पर्सपेक्टिव फ्लैश बैक है, जिसके वो शादी करने वाली थी वा होने वाला था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको ये याद करते हैं, और उसी वक्त उसी टाइम याद करते हैं, वही पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम में याद करते हैं जिस कॉस्ट्यूम से उसको छोड़ के गई थी. उत्सव को तो लवकंस हरियाणवी एक लड़का है, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बहुत सारे काम किए, मेरा लास्ट फिल्म में भी वो एक गेस्ट अपीयरेंस का किरदार किया, तो मैंने लवकंस को देखा है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, और श्रेयश्री जो इस गाने का हीरोइन है, 5 साल पहले इनफैक्ट मेरे हाथ से ही इसका शुरुआत हुआ था, इस म्यूज़िक वीडियो में, हिंदी म्यूज़िक वीडियो में शुरुआत हुआ था, कलकत्ता में हम लोग शूट किए थे, 5 साल बाद
मुझे जब खबर मिला जो वो एक बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत सारे एड्स, वेब सीरीज़, और रिसेंटली 5 अगस्त उसका एक पिक्चर भी रिलीज़ होने वाला है और बहुत बड़े बैनर के साथ, तो आई ऑफर्ड हर एंड बहुत सालों के बाद मेरे ऑफर मिलते ही शी डू दिस वर्क। और एक्टर अपने भाई बना है वो, तो लवकंशगढ़ का मैंने किरदार बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। 12 अगस्त ये बॉम्बे में रिलीज़ होंगे ऑल ओवर इंडिया में, नेपाली वर्शन, हिंदी वर्शन एंड नेपाली वर्शन ये रिलीज़ होगा 15 अगस्त सिक्किम में। 15 अगस्त देख सकते हैं। नहीं नहीं, एक 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 सिंगल सॉन्ग, एक सिंगल सॉन्ग, सॉन्ग का नेम सफ़र है, एल्बम का नेम भी सफ़र है। थैंक यू।